भारत के उत्थान के लिए अधिकतम प्रयास करें और भारतवर्ष को, जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी का भी सपना था, कि पुनः विश्व गुरु के स्थान पर प्रतिष्ठापित किया जाए। स्वामी विवेकानंद जी का जो जीवन चरित्र है उस पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा, क्योंकि आज उनकी जयंती है। तो उनका जन्म कोलकाता में और 12 जनवरी 1863 में हुआ था और अल्पायु में ही वो 4 जुलाई 1902 में हम लोगों का साथ छोड़ करके चले गए थे। स्वामी जी एक अच्छे विद्यार्थी थे, संस्कृत, बंगाली, अंग्रेजी पर उनका बहुत अच्छा कमांड था और रामकृष्ण परमहंस जी के संपर्क में जब वो 1881 में आए, उसके बाद से उनका जैसे पूरा जीवन बदल गया और वो नरेंद्र के नाम से, उनका जो बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ था, वो नरेंद्र से और विवेकानंद वो इस प्रकार से बन गए रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में आकर के, जो एक बहुत बड़े संत थे और माँ काली की पूजा किया करते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने अपना ऐतिहासिक भाषण, उन्होंने भारत का पूरे भ्रमण किया लंबाई चौड़ाई में और पूरे भारत में मनीषियों से, ऋषियों से, साधुओं से, वैज्ञानिकों से, ज्ञानियों से उन्होंने वार्ता की, संवाद की और इन सारी चीजों के बाद में वो काफी ज्ञान अर्जित उन्होंने किया और फिर वो 1893 में शिकागो के लिए प्रस्थान किए, जहां पर उन्होंने 11 सितंबर 1893 को जो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में उन्होंने अपना एक भाषण दिया और पहला शब्द जो उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो इस शब्द के बाद ही उस पूरे पंडाल में लगभग 7,000 लोग जो उपस्थित थे, विभिन्न धर्मावलंबी, विभिन्न भाषाभाषी, विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न राष्ट्रों से आए लोग, दुनिया के अनेक अनेक भागों से आए लोग, उन्होंने 2 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन दिया, तालियां बजती रही और फिर उसके बाद में विवेकानंद जी ने अपना भाषण प्रारंभ किया। बहुत ही छोटा संक्षिप्त भाषण था और उसके बाद में फिर वो पूरे उस पर छा गए। ये वर्ल्ड रिलीजन जो पार्लियामेंट है वो काफी दिन तक चली, 27 सितंबर तक चली और उसके बाद में उनके कई सारे भाषण हुए, उनके कई सारे डिस्कशन हुए, यूरोप, अमेरिका या अन्य कई सारे देशों में वो भ्रमण किया उन्होंने और उस भ्रमण के दौरान बहुत सारे पश्चिम के वैज्ञानिकों से, नॉर्थ अमेरिका के वैज्ञानिकों से, अन्य देशों के वैज्ञानिकों से वो मिले, अपने विचार विनिमय किए और अंततः स्वामी जी ने अपनी प्रतिष्ठा और भारतवर्ष की जो सांस्कृतिक प्रतिष्ठा है, भारतवर्ष की जो हिंदू की प्रतिष्ठा है, हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा है, वो हिंदू धर्म को वास्तव में उन्होंने परिभाषित करने का काम किया। जब स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ 1863 में, उससे काफी पहले 1800 में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम था थॉमस बाबिंगटन मैकाले और इस मैकाले नामक व्यक्ति ने 1835 ईस्वी में उसको भारतवर्ष आया और उस समय लॉर्ड विलियम बाइटिंग जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उन्होंने उनको कुछ इंडियन एजुकेशन पे काम करने के लिए कहा। तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया मैकाले ने जिसका नाम था मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन और उस मिनट्स ऑफ इंडियन एजुकेशन में उसने ये लिखा कि भारतवर्ष में जो माध्यम है शिक्षा का वो संस्कृत है या पर्शियन है और जो कि बिल्कुल ही ऑब्सोलीट हो चुका है, इसकी कोई महत्ता नहीं है और इसको हमें यूजफुल लर्निंग, जो इनका सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम है उसने जो वर्ड यूज किया यूजफुल लर्निंग का, उसको उसका मतलब ये था कि
जो हमारा उस समय का तत्कालीन माध्यम था एजुकेशन का, शिक्षा का, संस्कृत ज्यादातर, कुछ पर्सियन, वो अंग्रेजी में परिवर्तित कर दे। उस समय केवल बिहार और बंगाल में, बड़ा बिहार अभी झारखंड है बदल गया है, बंगाल में भी जो है वो कई सारे वो हुए हैं, तो जो पूरा उस समय अंग्रेजों के समय का, जो 1835 की हम बात करते हैं, तो उस समय का जो बिहार और बंगाल था, एक 1830 का एक सर्वे है, किसी अंग्रेज के द्वारा ही सर्वे है, विद्वान के द्वारा, उस समय 1,00,000 गुरुकुल चला करते थे केवल बंगाल और बिहार में। कहने का मतलब है कि गांवों के क्लस्टर में, एक संकुल में, 3-4 गांव के बीच में एक गुरुकुल हुआ करता था। और गुरुकुल की पद्धति हम जानते हैं कि हमारी बहुत ही प्राचीन पद्धति है, और उसके हिसाब से एजुकेशन होती थी। मैकाले का ये मत था कि ये जो लोग हैं वो एजुकेशन दे रहे हैं, वो एजुकेशन हमारे काम की नहीं है, क्योंकि उनको जो 1835 में उन्होंने मिनट्स ऑफ इंडियन एजुकेशन, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट तैयार किया, उसमें उन्होंने लिखा कि ये हमारे काम के नहीं है, क्योंकि हमको ऐसे हिंदुस्तानी चाहिए, ऐसे व्यक्ति चाहिए जो रंग से भले ही काले हों, लेकिन मन से और उनके अपने व्यवहार से, बातचीत से वो अंग्रेज हों, और उनके अंदर वो अंग्रेजी की मानसिकता भी, वेस्टर्न कल्चर भी भरा हो, जो हम देखते हैं कि उस समय के शिक्षित लोगों में, बहुत सारे लोगों में इस प्रकार की चीजें हम लोगों को देखने को मिली। तो इस उद्देश्य को लेकर के मैकाले ने हमारे यहाँ के जो शिक्षा का पूरा ढांचा है, उसको संस्कृत से हटा करके या गुरुकुल पद्धति से हटा करके और मॉन्टेसरी और नर्सरी और इत्यादि इस प्रकार की पद्धति पर लाए, और उसको अंग्रेजी को एक माध्यम बनाना प्रारंभ किया। वास्तव में जब से अंग्रेजी का माध्यम बनाना प्रारंभ किया, जब से हमने अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करना छोड़ करके बाहर की भाषा में शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ किया, उसी समय से हमारे कह सकते हैं कि जो हमारी भावनाओं का जो पतन, या हमारे स्वाभिमान का पतन, मैं कहता हूं ये ज्यादा उचित शब्द है, स्वाभिमान, उस समय से वो प्रारंभ हो गया, क्योंकि हम अपने को हीन समझने लगे और उस विदेशी संस्कृति को, उस विदेशी भाषा को अच्छा समझने लगे। और ये सारी चीजें, मैं इसलिए ये दोनों उदाहरण दे रहा हूं कि जब 1835 में ये शुरू हुआ और 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ, और उसके बाद में 1881 में जब स्वामी जी ने चीजें सीखना प्रारंभ किया, रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए, और फिर धीरे धीरे उनको ये सारी चीजें ज्ञात हुई, तब उनका मन एकदम उद्देलित हो चुका, उद्देलित हो गया राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। और एक किंवदंती है, ये सत्य घटना है, किंवदंती नहीं बल्कि सत्य घटना है, क्योंकि बहुत समय नहीं हुआ है, वो ये है कि उनको उनके पिताजी के न रहने के उपरांत काफी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, और वो रामकृष्ण परमहंस के पास गए और उनसे कहा कि हमें माँ काली से, हमारे लिए कुछ इस प्रकार का मांगिए, वरदान दे कि हमें आर्थिक संपन्नता आ जाए। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि नहीं, आप स्वयं जाकर के माँ से मांगिए। ऐसा कहते हैं कि स्वामी जी 3 बार माँ काली के सम्मुख गए, लेकिन उनकी हिम्मत अपने व्यक्तिगत हित के लिए माँ से कुछ कहने का जो है उसका ही, उनकी हिम्मत नहीं बढ़ी, और फिर अंत में उन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए और समाज के लिए संपन्नता और सफलता की कामना की माँ काली से, और फिर अपना सर्वस्व निछावर करके और सदा के लिए उसी आश्रम में उन्होंने अपने आप को कमिट कर दिया रामकृष्ण परमहंस जी के सानिध्य में। और फिर इस प्रकार से वो धीरे धीरे उन्होंने अपने पूरे 5 वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण किया, और उसी में जाकर के उनको ये सारी चीजें, अनुभूतियां हुई, और फिर जाकर के जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि
सितंबर 1893 में जाकर के उन्होंने शिकागो में वो भाषण दिया और अपने अनुभवों को साझा किया बहुत सारे पूरे विश्व के साथ। अभी अभी डॉक्टर रंजीत जी ने जो स्लाइड साझा की थी जिसमें स्वामी विवेकानंद जी का कोट था कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी विद इन द माइंड, तो हमारे अंदर विवेकानंद जी का मानना था कि हमारे अंदर वो सारी शक्तियां हैं, हमारे अंदर एजुकेशन ऑलरेडी है, रखी हुई है, उसको केवल जगाने की, उसको केवल कहना चाहिए कि प्रज्वलित करने की ऐसी आवश्यकता है। जैसे लकड़ी में अग्नि होती है लेकिन उसको जब घिसते हैं तब वो प्रज्वलित होती है, इस प्रकार से जो एजुकेशन है वो हमारे अंदर इनहेरेंट है, उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि हमें कहीं से कोई एजुकेट करता है। उन्होंने एक और बहुत अच्छी बात एजुकेशन के लिए लिखी जो हम कोट करना चाहेंगे। उन्होंने लिखा, कहा है कि इफ यू हैव assimilated 5 ideas and made them as your character, I repeat, if you have assimilated 5 ideas and made them as your character, you have more education than any man who has got by heart the whole library. अर्थात यदि आपने कुछ 5 ऐसे जो है चीजें आइडिया अपने चरित्र में एक वो कर ली है, आत्मसात कर ली है, तो आप किसी लाइब्रेरी को रटे हुए व्यक्ति से अधिक एजुकेटेड हैं, इस प्रकार से उन्होंने कहा। यही नहीं, उन्होंने फिर इसी में कोर्ट में कहा है, इफ एजुकेशन वॉज आइडेंटिकल विद इंफॉर्मेशन, जो अभी आजकल हम लोग देखते हैं कि पढ़ करके या रट करके ऐसे पास होते हैं, तो उन्होंने लिखा है कि इफ एजुकेशन वेयर आइडेंटिकल विद इंफॉर्मेशन द लाइब्रेरीज वुड बी द ग्रेटेस्ट सेजेस सी इन द वर्ल्ड एंड इंसाइक्लोपीडियाज द ग्रेटेस्ट ऋषिज। कितनी बड़ी बात स्वामी जी ने कही है कि यदि इंफॉर्मेशन ही जो आजकल की जो शिक्षा पद्धति है हमारे पास कि सूचनाएं हम एकत्रित करते हैं और उसको लिखते हैं उसको एग्जामिनेशन में और फिर उससे हमको ग्रेड मिलता है, उससे हमको कुछ नौकरी मिलती है, उससे हमको कुछ जो है जीविका हमारी चलाने के साधन ऐसे मिलते हैं। तो स्वामी जी का ये था कि चरित्र निर्माण एक बहुत ही आवश्यक बिंदु है हायर एजुकेशन में, हायर या लोअर कोई भी एजुकेशन हो, चरित्र निर्माण पे वो बहुत ध्यान देते थे। वेदांत उन्होंने काफी उसका अध्ययन किया था और उसी पर बेस्ड ज्यादातर चीजें वो कहते थे और करते भी थे। यहाँ पर कुछ डिटेल में देना चाहूंगा अपने भारतीय जो एजुकेशन सिस्टम है। जैसे अभी भारतवर्ष में लगभग 1000 के करीब विश्वविद्यालय हैं यदि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को जोड़ लें, 40,000 के लगभग कॉलेजेस हैं और इसी तरह से 11,000 के लगभग स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे एक सब्जेक्ट की जैसे बीएड कॉलेजेस हैं या इस प्रकार के कॉलेजेस हैं। हिंदुस्तान में जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन में जो ग्रास एनरोलमेंट रेशियो है वो काफी अच्छा है, 96% से ज्यादा है, लेकिन वो जब 6वीं-7वीं में जाता है तब वहां पर वो 60% के आसपास चला जाता है। ये 2018 का सर्वे है मैं जिसको कोट कर रहा हूं। और उसके बाद में जब वो 12th तक जाता है तो वहां पर जो ग्रास एनरोलमेंट रेशियो है वो 56% तक जाता है। इसी प्रकार से जो हायर एजुकेशन का GER है वो इस समय या 2018 की जो सर्वे की हम बात करते हैं तो 26.3% है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे सामने कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इनरोलमेंट, ग्रास इनरोलमेंट रेशियो काफी कम है। इसमें यदि हम महिलाओं को और पुरुषों को लें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है लेकिन काफी कम है ये। इसको भारत सरकार ने, आपको ध्यान होगा कि बहुत सारी जो एजुकेशन पॉलिसीज
आई हमारे यहां, एक एजुकेशन पॉलिसी शुरू शुरू में 1986 में आई, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, और फिर उसको मॉडिफाई किया गया 1992 में। उसके बाद में फिर एक राइट ऑफ एजुकेशन एंड फ्री राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, ये 2009 में आया। और फिर उसके बाद में अभी 2020 में पिछले वर्ष ही भारत सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इस प्रकार से लागू किया। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें वो सारी चीजें समाहित करने का प्रयास किया गया है जो वास्तव में स्वामी विवेकानंद का विजन था इनफैक्ट, और उनको इसमें कैसे समाहित किया गया है आप एक उसका देखिए कि जो एजुकेशन पॉलिसी है इसमें इसमें दो चीजें इन्होंने दो चीजों पर काफी जोर दिया है, एक तो फाउंडेशन कॉग्निटिव कैपेसिटी और दूसरा है हाई ऑर्डर कॉग्निटिव कैपेसिटी। फाउंडेशन कॉग्निटिव कैपेसिटी में लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर काफी जोर दिया गया है, और हायर ऑर्डर कॉग्निटिव कैपेसिटी में क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे काफी जोर दिया गया है। ये जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है 2020, ये भारत सरकार ने लगभग 20 वर्ष का एक इन्होंने वो खाका खींचा है, 15 वर्ष अधिक मतलब वो करता है इन्होंने एक पहले फेज में, और फिर 5 वर्ष का एक एक्सटेंशन दिया है। तो 2040 तक इनका जो लक्ष्य है, जो हमने बताया कि ग्रास एनरोलमेंट रेशियो जिसकी बात हम कर रहे थे जो 26.3% है अभी, उसको 50% तक ले जाने की बात ये लोग करते हैं। आप देखिए कि भारतीय जो शिक्षा पद्धति थी उस समय, हमको याद है कि तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय थे हमारे देश में जहां पर की जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन थे, और वहां पर देश विदेश से पूरे विश्व से जो विद्यार्थी आते थे वहां पर अध्ययन करते थे। आपको याद होगा कि तक्षशिला जो है, मैं समझता हूँ लाइब्रेरी है जिसको जिसमें आग लगा दी गई थी और वो 6 माह से अधिक समय तक जलती रही थी। तो इस प्रकार से जो हमारे विद्वान पैदा हुए हैं, आप देखिए उन्हीं चीजों से 5000 से लेकर के और 10000 साल पहले हमारे जो विद्वान हैं, जो चरक हैं, सुश्रुत हैं, आर्यभट्ट हैं, बारहमिहिर हैं, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, चाणक्य, माधव, पाणिनी, पतंजलि, गौतम, मैत्रेयी, गार्गी, ऐसी नारियां हमारे यहाँ जो जो जिन्होंने शास्त्रार्थ किया, जो बहुत ही सुविज्ञ थीं, और तिरुवल्लूर जैसे गायक, तो ऐसे विद्वान जो इन विश्वविद्यालयों से, इन जो शिक्षा संस्थानों से निकले हैं, उन्हों वो हमारे देश ने दिए हुए हैं, जो इन सारे चीजों के पीछे जो है वो जो हमारी शिक्षा पद्धति है इसी से निकले हैं। यदि आप देखें तो जो स्वामी विवेकानंद जी ने जो दिया था शिक्षा पद्धति का, कि जो शिक्षक है उसका एक चरित्र होना चाहिए। शिक्षा आप बता करके और पढ़ा करके करें ठीक है, लेकिन वो अगर आप जिएंगे, अगर एक शिक्षक है वो चलता है, तो उसके चरित्र से बच्चे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने जो 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 इम्फेसाइज किया कि शिक्षक सेंट्रिक, जो टीचर सेंट्रिक एजुकेशन है, उस पर उन्होंने काफी ध्यान दिया। जो ये एजुकेशन मॉडल अभी आया है जिसको इम्प्लीमेंट करने के प्रयास प्रारंभ हो गए हैं, वो इंडिया सेंट्रिक मॉडल है। उसमें हम एक भारतवर्ष का अपना नागरिक निर्माण करने की प्रक्रिया करने जा रहे हैं, या किसी देश को भी अपने देश के हिसाब से उस अपने देश, अपने वातावरण, अपने उसके अनुकूल शिक्षा देनी चाहिए। और इस शिक्षा पद्धति में जो विवेकानंद जी का सपना था कि अपनी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, स्पष्ट लिखा है शिक्षा नीति 2020 में कि अधिकतम जो शिक्षा है
कम से कम प्राइमरी ग्रेड तक की शिक्षा है या सेकेंडरी ग्रेड तक की शिक्षा है, वो अपनी मातृभाषा रीजनल आर लोकल लैंग्वेज आर नेशनल लैंग्वेज इस प्रकार से ऐसे दी जाएगी। इसी प्रकार जो इंटीग्रेशन है, जैसे अभी बहुत ही एक रिजिड सेपरेशन है कि आर्ट्स है साइंस है, और ये बहुत शुरू से हो जाता है। हम देखते हैं कि आठवीं क्लास के बाद से ही ये सारे सेपरेशन शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस शिक्षा पद्धति में, जैसे हमारे पूर्व में गुरुकुल की पद्धति थी जिसकी हम बात करते हैं और जिनको मैकाले की शिक्षा पद्धति ने पूरा का पूरा नष्ट कर दिया, उस शिक्षा पद्धति के हिसाब से कि अगर कोई विद्यार्थी है तो वो विज्ञान भी जानता है, वो कला भी जानता है, वो गायन भी जानता है, वो नृत्य भी जानता है, और वो आयुष के माध्यम से उपचार करने की भी उसको शिक्षा दी जाती है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो एक समग्र मानव निर्माण करने की प्रक्रिया, ऐसी शिक्षा पद्धति हम लोग देने जा रहे हैं। ऐसी शिक्षा पद्धति हमारे अन्य देशों में भी है, लेकिन उसकी मैं उसके बारे में मैं बाद में बात करता हूं कि क्या अंतर है हमारी शिक्षा पद्धति में और उन शिक्षा पद्धतियों में। इस शिक्षा पद्धति का जो मूल उद्देश्य है वो अपने देश के प्रति गर्व उत्पन्न करना और अपने अपनी भाषा में अपने क्षेत्र के हिसाब से क्यूरिकुलम डेवलप करना और उस प्रकार से ऐसे मानव का निर्माण करना जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट तो हो ही, लेकिन साथ साथ उसमें जो मानव मूल्य है, उसमें जो पर्यावरण के प्रति प्रेम है, जो उसमें मानव मात्र के प्रति प्रेम है, जो उसमें एक ईमानदारी है, जो एक एक प्रकार का जो ट्रांसपेरेंसी है, वो सारे जो मूल्य हैं वो उसमें रहें, इस प्रकार की शिक्षा पद्धति डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। कादंबरी एक काव्य है जिसमें 64 कलाओं का वर्णन किया गया है, और उन 64 कलाओं में विज्ञान, साहित्य, नृत्य, वाद्य और ये सारी चीजें, कहने का मतलब है कि प्रोफेशनल, वोकेशनल एंड सॉफ्ट स्किल, ये तीनों प्रकार की स्किल्स को जो है वो 64 कलाओं में समाहित किया गया है, जिसको बहुत सारे लोग जो भी पश्चिम में लोग हैं लिबरल आर्ट्स करके नाम देते हैं उसको। तो ये जो इस प्रकार का जो डेवलप करने की कोशिश हो रही है हमारी शिक्षा पद्धति, तो वो काफी फ्लेक्सिबल है, काफी फ्लेक्सिबल है, लाइट एंड फ्लेक्सिबल ऐसा करके कहते हैं जो जो जिन्होंने बनाया शिक्षा नीति, तो वो लाइट एंड फ्लेक्सिबल है। उसमें आपको क्रेडिट सिस्टम पे जा रहे हैं, जिस प्रकार से विश्व के अनेक देशों में क्रेडिट सिस्टम है, अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका या और यूरोप के कंट्रीज में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में है, तो वो क्रेडिट सिस्टम, और वो क्रेडिट सिस्टम कहीं से भी आप ले सकते हैं। इसमें कई बार जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे लोअर जो प्राइमरी एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन हो, उन सब में मैंने जैसा बताया आपको कि जो लोकल भाषा में एक तो शिक्षा देने के लिए, क्योंकि 6 वर्ष तक की आयु तक बालक अपनी भाषा में अच्छे से वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है, अच्छे से समझ सकता है, अच्छे से रिएक्ट कर सकता है, तो इस प्रकार से ऐसी व्यवस्था की गई है। यही नहीं, जैसा मैंने बताया कि 20 वर्ष में यानी 2040 तक सरकार की ऐसी योजना है, सरकार की ऐसी इच्छा है शिक्षा नीति के माध्यम से कि पूरे देश के हर जिले में मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना हो, और वो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जहां पर जैसे IITs है तो वहां केवल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, तो ऐसा नहीं, वहां पर और ज्यादा ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाएं, या जहां पर ह्यूमैनिटीज की खाली पढ़ाई होती है उनमें और ज्यादा ये सारे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए जाएं, वो चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो, वो चाहे मेडिकल एजुकेशन हो, या वो चाहे प्रोफेशनल एजुकेशन हो, चाहे वोकेशनल एजुकेशन हो। इसमें एक और अच्छी बात है कि जो वोकेशनल एजुकेशन है, व्यावसायिक शिक्षा है, उसको और ज्यादा इंटीग्रेट किया गया है, उसको और ज्यादा वोकेशनल से फॉर्मल या प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ आने जाने का मार्ग अवरुद्ध नहीं किया गया है जो आज की शिक्षा पद्धति में है। तो इस प्रकार से ये जो शिक्षा पद्धति है, इसमें ज्यादा से ज्यादा जो मैंने बताया आपको, जो स्वामी जी का भी वो कहना था कि टीचर सेंट्रिक,
शिक्षक को एक यूनिट मान करके और उसके इर्द गिर्द घूमती है, तो शिक्षक का महत्व इसमें बहुत बढ़ जाता है। जिस प्रकार से आपको याद होगा कि गुरुकुल पद्धति में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक साथ रहते थे, स्वामी जी का यह एक शिक्षा के लिए एक कोट है, उन्होंने गुरु गृहवास करके ऐसे दिया है, तो शिक्षक और शिक्षार्थी एक ही जगह रहे। गुरु गृहवास का मतलब यह है कि गुरुकुल में कोई ऐसा गुरु के घर में इतनी स्थान हो सकता है नहीं होता हो, तो गुरु ही शिक्षक संस्थान में जैसे गुरुकुल में रहते थे, हम लोग देखते हैं शास्त्रों में या अपने पुराने, अभी फिर से गुरुकुल का फिर से पुनरावर्तन हो रहा है, फिर से गुरुकुल पद्धति आ रही है, बहुत सारे विद्यालय खुले हुए हैं गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा देते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से शिक्षा हो, जो शिक्षक और शिक्षार्थी अधिकतम समय तक साथ रहें, वो उसके चरित्र से, उसके जो 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 व्यवहार से वो काफी ज्यादा शिक्षा ग्रहण करें। और यही नहीं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, इनको इंटीग्रेट करके और क्लस्टराइज करके, यह भी एक सरकार की इच्छा है, इस शिक्षा नीति की एक विशेषता है कि नीचे से ऊपर तक जो एजुकेशन है वो इंटीग्रेशन होना चाहिए। कहने का मतलब है कि कभी प्राइमरी का विद्यार्थी भी विश्वविद्यालय जाकर के देख सके कि किस प्रकार की शिक्षा वहां पर हो रही है, या विश्वविद्यालय के विद्यार्थी को कुछ ऐसी चीजें करने के लिए कुछ ऐसा टास्क दे सकते हैं जो कि प्राइमरी के या सेकेंडरी के स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को वो पढ़ा सके, वो गाइड कर सके। तो इस प्रकार की शिक्षा पद्धति है। एक मैं कोट करना चाहूंगा, जस्टिस जे एस वर्मा कमीशन एक सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया था 2012 में, और उसमें जस्टिस वर्मा का जो ऑब्जर्वेशन था उनका ये था कि जो ज्यादातर स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन सेंटर है, जो बीएड कॉलेजेस की उन्होंने बात की थी, वो डिग्री बेचने के केंद्र जैसे बन गए। ये ऑफिशियल जो जस्टिस वर्मा कमीशन की रिपोर्ट है, मैं उसको कोट कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। तो इस और ऐसे इंस्टीट्यूशन हिंदुस्तान में 10,000 के लगभग उस समय थे 2012 में, अभी तो और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हो गए हैं। कहने का मतलब है कि शिक्षकों की जो एजुकेशन, ये टीचर एजुकेशन की बात कर रहे हैं जस्टिस वर्मा, तो शिक्षकों की एजुकेशन, शिक्षकों का जो शिक्षण है, प्रशिक्षण है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और उनका रिक्रूटमेंट, उनका जो अपॉइंटमेंट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनका प्रशिक्षण, उनका अपॉइंटमेंट, ये सारी चीजों पर ये शिक्षा नीति जो है वो बहुत ही मुखर होकर के और बताती है, वो चाहे नीचे के क्लासेस में हो और चाहे हायर एजुकेशन में हो। इसी प्रकार से इस शिक्षा नीति में जो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी हैं, अच्छे लीडर्स को जो लीडिंग कैपेसिटी है उनको शुरू से पहचान करके और उनके अंदर लीडिंग कैपेसिटीज डेवलप की जाएं, इस प्रकार से इनका है। यह पूरा का पूरा काम जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसे करके एक बॉडी बन गई है, उसके उसके अम्ब्रेला में होगी। और जो एचआरडी मिनिस्ट्री है, आपको पता है कि हमारे भारतवर्ष में उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि यह इस प्रकार से शिक्षा देने का काम जो बाइलिंगुअल हो, हमारी भाषा में भी हो और अंग्रेजी भाषा में, किसी अंग्रेजी, किसी स्पेनिश, किसी अन्य भाषा से कोई विरोध, कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन जो बेसिक एजुकेशन हो, और यदि वो विद्यार्थी चाहे तो अपनी हायर एजुकेशन भी अपनी मातृभाषा में, अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी ले सकता है। त्रिभाषा जो फार्मूला है उसका यहाँ पर जिक्र भी किया गया है, उस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं जाता हूँ। इसमें यह भी है कि जो सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, जिनको SEDGs कहा गया है, इसमें उस पर भी काफी जोर है, क्योंकि विवेकानंद जी के जो जो उनका उनका विचार था कि सभी मानव एक समान हैं, और जैसा कहते हैं ना, नर सेवा नारायण सेवा, तो वो सभी जो डाउन ट्रोडन थे लोग, वो ये कहते थे कि हम भूखे, जो अगर कोई गरीब आदमी भूखा है तो वो उसके मन में गलत विचार आएंगे, वो चोरी की तरफ आकर्षित हो सकता है, तो हम पहले उसका पेट भरेंगे और फिर उसको ज्ञान देंगे, फिर उसको शिक्षा देंगे। तो कहने का मतलब है कि सभी के लिए एक समान शिक्षा,
सभी के लिए समान वातावरण, जो दे पाने योग्य हो, जो देने योग्य हो वो दे, जो लेने योग्य है वो ले, और इस प्रकार से समाज में एक समानता की स्थापना। तो जो भी सोशली या इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से झारखंड जैसे राज्य के लिए, जिससे मैं अभी जहां पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं, यहां पर ट्राइबल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी जनजातियां हैं, और उनके लिए इस शिक्षा व्यवस्था में काफी महत्व दिया गया है। उनकी अपनी भाषाओं को, उनकी अपनी कलाओं को, चाहे मिट्टी की कलाएं हो, चाहे कास्ट कलाएं हो, या अन्य कोई भी जो वहां उनकी लोकल जो जो क्राफ्ट हैं, उनको भी प्रश्रय देने के लिए और उनको क्यूरिकुलम में शामिल करने के लिए भी ये कहा गया है। तो क्योंकि ये जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है एजुकेशन, तो सरकार केवल, केंद्र सरकार या जो जो गवर्निंग बॉडी है वो केवल एडवाइजरी बॉडी है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से उस शिक्षा को वो करेंगे, कहने का मतलब है कि मॉडिफाई करेंगे कुछ परसेंटेज तक। तो इन सारी चीजों का ये पहली बार है जब समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है शिक्षा व्यवस्था में, जो शिक्षा नीति है, और यही वास्तव में आदरणीय स्वामी जी का एक सपना था, जिसको कि जो उन्होंने मैकाले की शिक्षा व्यवस्था को देख करके कहा था कि आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, शिक्षा जो है वो सबको सुलभ होनी चाहिए, शिक्षा में चरित्र निर्माण होना चाहिए, शिक्षा जो है वो हो व्यवसाय का तो माध्यम होना चाहिए, लेकिन वो जो व्यवसाय है वो फेयर मीन से, ट्रांसपेरेंट टाइप का व्यवसाय होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अनफेयर मीन से आप पैसा कमाएं। तो वो भी एक चरित्र निर्माण के लिए स्वामी जी काफी इम्फेसाइज करते थे। मैं थोड़ा सा एक जरूर प्रकाश डालूंगा कि अभी जो इनका मैंने जिक्र किया, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जो स्वामी जी का जो विजन है वो उसके हिसाब से हम लोग करने जा रहे हैं, और पीछे गुरुकुल करते रहे हैं या कुछ और संस्थान करते रहे हैं, इस लगभग इसके आसपास ही, जैसे जो लिबरल आर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, ऐसे पश्चिम में भी अन्य देशों में, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, या ऑस्ट्रेलिया में, या अन्य देशों में भी ऐसे इंस्टीट्यूशन है। ऐसा नहीं कि वहां पर नहीं है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। CBCS सिस्टम जिसकी हम बात करते हैं, क्रेडिट सिस्टम, ऑलरेडी वहां पर है, हम भी उसको अडॉप्ट कर रहे हैं अभी और आगे अडॉप्ट करेंगे। ओपन डिस्टेंस लर्निंग भी है, जो हम अपने यहाँ भी करने जा रहे हैं, इसमें टेक्नोलॉजी का काफी यूज करने जा रहे हैं। लेकिन जो स्वामी जी का एम्फेसिस थी, जो स्वामी जी का जो जोर था जिस बात पर कि चरित्र निर्माण होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, वो आप यदि देखेंगे तो पाएंगे कि कहीं पर वो उस चीज की कमी आपको महसूस होगी। आज भी मैं कह सकता हूं कि हमारे यहाँ जो क्लासरूम है, यदि शिक्षक पढ़ा रहा है तो विद्यार्थी उस प्रकार से नहीं बैठ सकता है, उस प्रकार से कक्षा में व्यवहार नहीं कर सकता है जिस प्रकार से इन देशों में, जहां पर की ये सारी व्यवस्थाएं हैं, वहां करता है। क्योंकि मैंने दोनों देशों की, दोनों जगहों की कक्षाएं देखी हैं, और वहां विद्यार्थी कभी कभी काफी खराब व्यवहार करते हैं, वो अन्य कामों में भी बहुत सारे लगे रहते हैं। मैं सबके कल्चर होते हैं, मैं उनको उसकी में बुराई नहीं करता हूं, लेकिन ये जरूर है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, हर चीज का, हर काम करने का, हर चीज का एक वातावरण होता है, और व्यक्ति अगर कोई बात कहता है, कुछ करता है, तो उसको देश काल परिस्थिति का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो इस प्रकार से जो मेजर डिफरेंस है, जो 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 गंभीर अंतर है, वो ये है कि जो चरित्र निर्माण की बात स्वामी जी बार बार कहते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति निर्माण हो, राष्ट्र निर्माण हो, वो कहीं ना कहीं लैकिंग है। और हो सकता है कि जहां पर वो शिक्षाएं दी जा रही, जहां हम लोग देख रहे हैं,
उनका इस प्रकार का कल्चर हो, और कल्चरल जो एक्सचेंज है, कल्चरल ट्रांजेक्शन्स हैं, और कल्चरल जो इवोल्यूशन है वो होता रहता है। हम कभी कभी उस कल्चर की तरफ आकर्षित होते हैं, वो हमारे कल्चर की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन जो हमारी संस्कृति है हजारों हजार साल पुरानी संस्कृति है। इस संस्कृति से इतने रत्न निकले हैं जिनको गिनना मुश्किल है। इतने अच्छे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ थे जिनको आप, जिन पर आप गर्व कर सकते हैं। तो एक ऐसी शिक्षा पद्धति हम देने का प्रयास करने जा रहे हैं जो उस शिक्षा पद्धति से निकला हुआ व्यक्ति ये कह सके कि हाँ, हमें अपने देश पर गर्व है, हमें अपने महापुरुषों पर गर्व है, हमें अपनी थाती पर गर्व है, हमें अपनी धरोहर पर गर्व है। तो इस प्रकार की शिक्षा पद्धति और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो। स्वामी जी कहते थे कि यदि आपके अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने अंदर आपके अंदर जो है वो शक्ति नहीं है, तो 36 करोड़ देवता भी आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करे, हमारे अंदर शक्ति डेवलप करे, हमारे अंदर अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने साहित्य के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति गर्व की अनुभूति कराए। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, जैसा कि प्रयास हो रहा है, और ऐसा स्वामी जी का कहना था, बार बार उनका कहना था कि हमारे युवाओं को, हमें देश पर, अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः स्वामी जी को नमन करता हूँ और अपनी बात को विराम देता हूँ, और इस बात के साथ कि हम लोग कुछ इस तरह से व्यवहार करें कि जो हमारा देश है भारतवर्ष, वो पुनः विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो। स्वामी जी के जो विचार हैं वो कोई भारतवर्ष के लिए नहीं है, वो पूरे विश्व के लिए हैं। पूरे विश्व में उन्होंने, आपको ध्यान है, वेदांत सोसाइटीज की स्थापना की थी। तो ये हर उस व्यक्ति के लिए जो सुन रहा है हमें, वो अपने राष्ट्र के लिए सम्मानित महसूस करे, अपने राष्ट्र के लोगों पर सम्मानित महसूस करे, और मानवतापूर्ण व्यवहार करे, समतापूर्ण व्यवहार करे। शायद मेरी यही इच्छा है, मेरी यही प्रार्थना है, और स्वामी जी का शायद यही संदेश है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी, आपने हमको मौका दिया यहाँ बोलने का, आप लोगों से इंटरेक्ट करने का, और सभी श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारी बातों को सुना और सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे तरह से जो नई शिक्षा नीति है उसके बारे में समझाया, और समझाया कि किस प्रकार जो नई शिक्षा नीति है उसमें जोड़ है, कि ज़्यादा जोड़ तो मुझे लगता है कि स्किल डेवलपमेंट पे है, कि जो दोनों हो, क्रिटिकल थिंकिंग, न्यूमेरिकल थिंकिंग, और जो मोर जो ऐसे जो अभी सर्वेज आते हैं और कहते हैं कि भाई ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें एम्प्लॉयबिलिटी कम है, जो भी आती है, तो जो वो एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने का जो ये है। दूसरी बात जो मुझे आपकी पसंद आई कि हम लोग फिर से एक ऐसी व्यवस्था में जाने को तैयार हैं जहाँ पे आप अपनी मातृभाषा में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि जो मैक्यूले का जो सिस्टम था, लॉर्ड मैक्यूले का, उसमें एक ये चीज़ था कि भाई सबसे पहले आप उनको नया एक भाषा दे दें, और ऑब्वियसली जब आप कोई नया भाषा किसी को दे देते हैं तो उनकी जो अपनी भाषा है वो हेय हो जाती है, वो ना उतना पढ़ा लिखा जाता है, ना उसके साहित्य उतने ग्रो कर पाते हैं। यही शायद कारण है कि संस्कृत कहीं ना कहीं पीछे रह गया। तो उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो प्रयास है नई एजुकेशन पॉलिसी में, उसका भी स्वागत है कि संस्कृत और सारे जो रीजनल लैंग्वेज हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो मातृभाषा है, उसमें एक एजुकेशन का मौका मिलेगा लोगों का। एक और बात जो बहुत ही मतलब आवश्यक भी है और इस समय ज़्यादा जरूरी है कि चरित्र निर्माण, जिस पे आपने कहा, जिस पे कि स्वामी विवेकानंद का भी काफ़ी फोकस रहा है, कि मतलब एजुकेशन जो है इट्स इक्विवेलेंट टू कैरेक्टर बिल्डिंग। तो कैरेक्टर बिल्डिंग पे जहाँ पे सवाल आती है, तो ऐसे मेरा मानना है कि इन इन शिक्षकों को, या ये जो शिक्षा और विद्या का प्रसार करने वाले लोग होंगे, उनके लिए भी एक टकसाल बनानी होगी, कि जो इतना बड़ा आप जब परिवर्तन लाएंगे,
तो लोग तो वही हैं, तो उनके वैचारिक परिवर्तन के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए, जैसे आपने कहा कि भाई बीएड कॉलेज मोर और लेस ज्यादातर डिग्री देने वाले संस्थान बन गए थे, कि एकल संस्थान थे, डिग्रियां बांटी जाती थी, और लोग उसको इसलिए भी करते थे कि भाई उससे इम्प्लॉयबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, कि बीएड हो तो कहीं ना कहीं शिक्षक हो जाओगे। लेकिन शिक्षक का जो अपना एक, जो जो आपने एक बात कही कि गुरुकुल सिस्टम में जैसे कि मतलब एक ये था कि भाई आपको किताबों से ज्यादा शिक्षक को देखने की आवश्यकता थी, बस आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमको उनके जैसा बनना है। लेकिन आज के मतलब आज के तारीख में अगर आप देखें तो काफी कम ऐसे आपको रोल मॉडल्स मिलेंगे जिनको देख के शायद ही मन में ऐसा लगता है कि हम इनके ऐसा बने। एक काफी बड़ा मतलब खाई है, और उस खाई को कम करने का प्रयास है, जैसे आपने ये भी बताया कि क्लासरूम्स का जो स्ट्रक्चर है, तो अभी जो हमारे यहाँ पद्धति है वो है कि सेज ऑन द स्टेज, महात्मा एक स्टेज पे खड़े हैं और बोल रहे हैं, और मतलब यह है कि वर्बल ट्रांजेक्शन हो रहा है विदाउट टचिंग द ब्रेन ऑफ द स्टूडेंट, इधर से जा रहा है उधर, अपना नोट्स 1970 का 72 का ही चल रहा है, जो पुराने प्रोफेसर हैं फटे हुए नोट्स लेके आ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो उस तरह का जो बदलाव होना चाहिए, खास करके ये मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सारे विश्वविद्यालयों में होता है, लेकिन ज्यादातर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें फंड लैकिंग है, शिक्षकों की कमी है, और जैसा कि आपसे मतलब पहले भी चर्चा हो रही थी कि एक एक थोड़ी सी समस्या ये है कि भाई बहुत सारे कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट हैं, सिस्टम ऐसा है कि जिसको रिफॉर्म करना एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, धीरे धीरे हो रहा है। तो ये सारी चीजों पे भी एक पैनी निगाह होगी जब एक नेशनल एजुकेशन कमीशन, जो आप बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ बनता है। दूसरा जो मुझे हमेशा ये लगता है कि अभी तक कोई, जैसे आप भी एक मतलब केंद्रीय इंस्टीट्यूशन से में रिसर्चर थे, साइंटिस्ट थे, और फिर आप विश्वविद्यालयों का कमान संभाल रहे हैं और काफी अनुभव आपका रहा है, तो क्यों नहीं मतलब कोई ऐसा एक प्रयास मुझे नहीं दिखता। छोटे छोटे फेलोशिप जरूर देखते हैं, लेकिन कोई ऐसा ब्रेन ग्रेन गेन का प्रयास नहीं दिखता है कि गवर्नमेंट एक बड़े स्तर पे ऐसा करे कि एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाए जिसमें कि सारे विश्वविद्यालय एकीकृत हो जाएं, और जैसे पहले फार्मास्यूटिकल साइंस के विद्यार्थियों का होता था कि फार्मेसी की जहां भी खाली है वहां उनको नियुक्त कर दिया जाता था, उस तरह का। क्योंकि अब जो जो लॉट आया है, जो नए जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से पढ़ के लोग निकले हैं, उनको थोड़ी तकलीफ हो रही है वापस आने में। जो मेरे साथ हैं या जो मेरे पीयर्स हैं या जो हमसे सीनियर्स थे, उनमें भी ये है कि कॉमेंसुरेट पोजीशन बैक इन इंडिया उनको खोजने में काफी तकलीफ होती है। तो शायद आशा करते हैं कि ये जो नई सिस्टम आएगी उसमें ये थोड़ा सा बदलाव आएगा कि उनको भी मौका मिलेगा। और जैसा आपने बताया था कि भाई ऐसे भी विश्वविद्यालय हमारे यहाँ थे, जैसे कि नालंदा के बारे में शायद आपने जिक्र किया था कि भाई उन्होंने इतने सारे किताब थे कि जो आतंकियों ने किताब जलाए वो 6 महीने तक जलते रह गया, शायद बख्तियार खिलजी की बात कर रहे थे हम लोग। तो उस मतलब वैसे वैसे विद्यालय और वैसे वैसे इंस्टीट्यूशन जो भारत में थे उनको पुनर्जीवित, शायद क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये 15-20 साल का लंबा चौड़ा मतलब एक जेनरेशन इसमें आ जाएगा। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक नई पहल, नए राष्ट्र के निर्माण और विवेकानंद के सिद्धांतों को समाहित किए हुए, जिसमें कि वेदांत के भी जो गूढ़ तत्व हैं वो मिले हों, तो उससे जो रचा बसा जो शिक्षा व्यवस्था होगा वो अवश्य ही भारत को बहुत ही शक्तिशाली बनाएगा, ये मेरा भी मानना है। मेरे पास वैसे तो अभी कोई प्रश्न नहीं आया है, लेकिन मैं आपको मतलब मेरा अपने तरफ से जो एक प्रश्न है कि आपको जी आपको ऐसा क्या लगता है कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं, मतलब ये रिवोल्यूशनरी नहीं हो पाते हैं, मतलब धीरे 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 बहुत स्लो ये में होते हैं। और मेरा दो सवाल है, एक तो है कि ऐसे शिक्षकों का निर्माण के लिए क्या मतलब पद्धति अपनाई जाएगी कि राइट फ्रॉम कि कैरेक्टर बिल्डिंग राइट फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन से शुरू हो जाए, ताकि ताकि मतलब जीविकोपार्जन ही जीवन का उद्देश्य नहीं रहे। ऐसा 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 कैसे बनाया जा सकता है, इस व्यवस्था को कैसे बदला जा सकता है कि एक नौकरी जो चपरासी की है उसके लिए जो है एक पीएचडी भी अप्लाई कर रहा है। जैसे हम लोग हमेशा सुनते हैं कि काफी मतलब मास्टर्स हैं, एमबीए हैं, सब लोग अप्लाई करते हैं, क्लर्क का पोजीशन निकलता है। तो ये जो वैचारिक परिवर्तन है
वो कैसे आएगी उस पे थोड़ा। जी, ये बहुत ही सामयिक आपने प्रश्न पूछा है, और वास्तव में इसका उत्तर कई बार देने में संकोच भी होता है, लेकिन इसमें पूरी व्यवस्था को बदलना होगा, और हम लोगों को ये सोचना होगा कि ये राष्ट्र हमारा है और हम जो भी कर रहे हैं वो राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। वास्तव में अभी जो व्यवस्थाएं हैं, आप जानते हैं, हम सब लोग इससे परिचित हैं कि विभिन्न प्रकार के माध्यम चलते हैं इन जगहों पर, जी तो एक इस प्रकार की ट्रांसपेरेंट व्यवस्था का निर्माण करना जिसमें बिल्कुल जो मेरिट बेस्ड ट्रांसपेरेंट और इस प्रकार से जिनमें अपॉइंटमेंट हो सके, जी और जी कहा भी गया है इस शिक्षा नीति में, ये कहा भी गया है इस प्रकार से व्यवस्था का निर्माण होगा कि जो, जैसे आप देखिए ना, अभी हमारे यहाँ भी, मैं उदाहरण देता हूँ, IIMs में जो अपॉइंटमेंट होते हैं बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से होते हैं अपॉइंटमेंट। जी वहां पर कुछ CV पहले सॉर्ट आउट करते हैं, फिर कुछ सेमिनार करवाते हैं, उसमें कुछ मार्क्स होते हैं, फिर फाइनली वो इंटरव्यू करवाते हैं, उसमें मार्क्स होते हैं, और फिर वो पूरे असेस करके एंड देन दे गिव द अपॉइंटमेंट। जी यही उनका रिगरस असेसमेंट भी डे टू डे होता रहता है, और 6 मंथली या ईयरली बेसिस पर होता रहता है, जिसके आधार पर उनको इंक्रीमेंट या उनको जो भी प्रमोशन या ये सब चीजें मिलती बिल्कुल हैं। बिल्कुल ये कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था में, वो चाहे हायर एजुकेशन में हो, चाहे प्राइमरी में हो, चाहे सेकेंडरी एजुकेशन में हो, ये कहीं ना कहीं लैकिंग है। जी तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ माध्यमों से वो उसका पालन नहीं होता है। यदि आप देखें तो स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो छोड़िए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। जो एक बार उस सिस्टम में चला गया वो फिर आजीवन आजीवन उसी में है। जो है रिटायर होकर के निकलेगा। जी तो जी ये जो व्यवस्था है ये समाप्त होनी चाहिए। इस मामले में मैं समझता हूं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज की व्यवस्था है, वहां ज्यादा बढ़िया असेसमेंट होता है, जी उनके असेसमेंट होता है, उनके यहाँ टेन्योर ट्रैक पोजीशंस हैं, आप अच्छी तरह से परिचित हैं जी उससे। जी उसके बाद में अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, अगर आप प्रोजेक्ट नहीं लिख पाते हैं, आप पैसा नहीं ला पाते हैं, तो यू आर आउट फ्रॉम द सिस्टम। मुझे ऐसे लगता है कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं, क्योंकि पूरी दुनिया में चीजें चलती रहती है, ऐसा नहीं कि हम ही अच्छे हैं, कोई जी भी सकता है, तो अच्छी चीज तो पूरी दुनिया से लेनी चाहिए। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि लेट द गुड वाइब्स कम फ्रॉम ऑल दी प्लेसेस बिल्कुल या बिल्कुल ऑल साइड्स, तो अच्छी चीजें कहीं से भी ले सकते हैं। और जब तक हम रिगरस रिक्रूटमेंट सिस्टम और रिगरस असेसमेंट सिस्टम नहीं बनाएंगे, प्रमोशन के लिए कंटिन्यूअस सिस्टम बनना चाहिए, जी चाहे वो जैसे जी प्रमोशन का हो, चाहे इंक्रीमेंट का हो, चाहे जैसा, तब तक ये चीज संभव नहीं होगी। और ये ऐसे कई IITs में भी मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से, IIM का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे एक मित्र हैं जी जो डायरेक्टर हैं IIM के, उनसे कई बार बात होती रहती है, तो हम लोग इस तरह की व्यवस्थाओं पर बात करते रहते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के भी हैं, डायरेक्टर जी भी हैं, जी सीईओ सब। तो एक इस प्रकार की व्यवस्था हमारे ही देश में दो तीन चार तरह की, 5 तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं। सरकार इस पर सीरियस है, मैं जानता हूं। आपको ध्यान होगा कि एक समय था जब हर मेडिकल कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, स्टेट मेडिकल कॉलेज हो, सेंट्रल मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, BHU हो, अलग अलग सब अपने टेस्ट कराते थे। जी आप देख रहे हैं कि एक टेस्ट हो गया है पूरे भारतवर्ष में जी जी माध्यम से, और उनसे सभी लोग ले रहे हैं। इसी प्रकार से इंजीनियरिंग के लिए ऐसा टेस्ट अभी अगले वर्ष से, मतलब इस वर्ष से 2021 वाले सत्र से, जी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनमें एक इंट्रेंस टेस्ट होगा और उससे लोग लिए जाएंगे। बिल्कुल इस ये शिक्षा नीति के बारे में महामहिम राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक वो हुई थी, आ, 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 सारे वाइस चांसलर्स की बैठक हुई थी, जिसमें हमारे सभी माननीय राज्यपाल महोदय थे, प्रधानमंत्री जी ने उसको संबोधित किया था। तो हमने अपने राज्यपाल, अपनी राज्यपाल महोदया के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने पहले एक बैठक ली थी, तो जी मैंने
वो बात उसमें भिजवाई थी कि जो रिक्रूटमेंट है शिक्षकों का, हायर एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं बेसिकली, वो एक रिक्रूटमेंट बॉडी हो केंद्रीय स्तर पर, और वहां सारे विश्वविद्यालय हो, चाहे केंद्र के विश्वविद्यालय हो चाहे राज्य के विश्वविद्यालय हो, वो अपनी रिक्वायरमेंट भेज दे कि इतने असिस्टेंट एसोसिएट, इतने प्रोफेसर लेने हैं, और वो रिक्रूट करके और फिर वहां पर प्लेस करें। तो मुझे ऐसे लगता है कि जिस प्रकार से एडमिशन के लिए जो एक सिंगल बॉडी सिंगल विंडो सिस्टम है उसी तरह का है जी, हाँ उसी तरह से रिक्रूटमेंट के लिए भी एक अगर सिंगल बॉडी करें तो मेरा ये मानना है कि काफी चीजें समान जाएंगी और एक समान जो स्टैंडर्ड है जिसकी हम बात कर रहे हैं स्तर, हम ऊपर अपग्रेड करने की, वो शायद आने की वो होगी। लेकिन इसमें बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत सारे गलत लोग जो सिस्टम में हैं उनको निकालना पड़ेगा मुझे लगता जी, है। जी 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 ये तो है, क्योंकि जो अभी का ढांचागत व्यवस्था में विगत 2016 में कुछ दिनों तक अध्यापन का कार्य कर रहा था विनोबा भावे विश्वविद्यालय में, और वहां पे 200 से ज्यादा नियुक्तियां कॉन्ट्रेक्चुअल, तो इस तरह का जो एक तो यह है कि ये संवेदना वाली भी बात आ जाएंगी कि अब जो इतने साल से काम कर रहे हैं उनका क्या होगा, तो ये थोड़ी निष्ठुर होनी पड़ेगी व्यवस्था परिवर्तन के लिए सरकार को भी, या कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कि ताकि आप जो परिवर्तन का नींव रखें उसमें एक जो आप बता रहे हैं कि समान क्वालिटी, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, उसमें क्रिएट करने के लिए ये आवश्यक है। और मुझे मतलब मैं आपका साधुवाद कहूंगा कि इन इन बातों को आपने सही जगह तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हाँ, और दूसरा जो है जी, और यही नहीं, उसको वहां पर कुछ महामहिम राज्यपालों ने उसको वहां पर हम लोगों को बोलने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बात अपने राज्यपाल के माध्यम से हो रहा था, राज्यपाल महोदय के माध्यम से कह चुके थे, तो वहां ये बात उठाई भी गई और ये राइटिंग में भी गई है ये बात, क्योंकि इसमें जो है वो रिक्रूटमेंट पर इस तरह की चीजों के लिए थोड़ा सा ये बात नहीं थी उसमें, तो इस वजह से मैंने ये बात उठाई और कई लोगों ने इसका समर्थन भी किया वहां पर। हम देखते हैं शायद इसमें कुछ परिवर्तन हो, लेकिन कठोर निर्णय सरकार को लेने ही पड़ेंगे, निष्ठुरता दिखानी, क्योंकि अगर आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है तो कहीं ना कहीं आपको ये करना ही पड़ेगा जी। और ये आपकी ये बात बहुत लोगों में ऊर्जा का संचार करेगी, ये मैं आपको विश्वास के साथ कर सकता हूँ। जो हमारे मित्रगण हैं जो करीब एक दशक या दो दशक से इंतजार कर रहे हैं कि भारत की जो पॉलिसीज है उसमें कुछ चेंज आए, ताकि हम भी जो है नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान दे सकें उस स्तर पे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दे रहे हैं, तो वो उनको उनके लिए बहुत बड़ा ये है। आपने एक बात जो सिंगल विंडो सिस्टम की कही है वो मुझे बहुत है, और मैं अगली मीटिंग में जब हमारी मीटिंग जो है महामहिम राज्यपाल महोदया के साथ होगी या कहीं ऊपर होगी जीसी में, तो मैं उस उचित फोरम पर मैं ये बात करता हूं आपसे कि इस बात को जो सिंगल विंडो सिस्टम आपने कहा कि जो बाहर से लोग हैं जो ब्रेन गेन की बात करते हैं, ड्रेन तो हो गया, गेन की बात करें, उसको हम जरूर इसको उठाएंगे और समझता हूं कि उचित फोरम पर अवश्य ये बात जाएगी, ऐसा मैं कह सकता हूं। दूसरा एक और प्रश्न, एक अंतिम प्रश्न है मेरा जी। जैसे जैसे आप, हम यहाँ पे इंडिविजुअल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि एक नई शिक्षा नीति से व्यक्ति में क्या परिवर्तन आएगा, और जैसे हम देखते हैं कि बाहर में जो भी जगह, जैसे हम गोथेनबर्ग शहर में रहते हैं तो गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय से गोथेनबर्ग शहर जाना जाता है, क्योंकि वहां का कार्य समाज और विश्वविद्यालय एक दूसरे से का तारतम्य बने हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंडस्ट्रीज की समस्याएं यूनिवर्सिटी हल करती है, समाज की भी समस्याएं यूनिवर्सिटी हल करती हैं, एजुकेशन पॉलिसीज में भी यूनिवर्सिटी अपना योगदान देती है। तो वो समय भारत का कब आएगा कि हर एक शहर, हर एक जो जैसे आप कहें कि मल्टी सेंट्रिक सेंटर फॉर एक्सेलेंस अपने आप निर्मित होने लगेगा, क्योंकि सभी तरह का जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम रहेगा उसमें हर लोगों को ये मौका मिलेगा कि डिफरेंट जो 64 कलाओं का आपने बात कहा कि कादंबरी में जो मेंशन है कि आप आर्ट्स भी सीखिए, आप साइंस भी सीखिए,
आप सब कुछ सीखिए और जो आपको जिसमें आप विशेष गुण है उसको आप आगे बढ़िए उसमें। तो ये इसका एक मुझे इंतजार जरूर रहेगा कि ये कब हो पाएगा कि एक शहर, एक राज्य जो है अपने विश्वविद्यालय के नाम से फिर से जाना जाए। ये बिल्कुल, ये आपकी जो सोच है मैं साधुवाद देता हूँ इसके लिए। और इस शिक्षा नीति में जैसा मैंने निवेदन भी किया आप सबसे कि इसमें इसकी पूरी संभावना है कि आने वाले 15-20 वर्षों में यदि इसका ठीक तरह से इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो मैं समझता हूं कि राज्यों में कम से कम 2-4 शहर जो अच्छे शहर हैं, जैसा आपने बताया जी गोटेनबर्ग, हम जी अपना हजारीबाग है, या हमारा डाल्टनगंज है, या ऐसे, तो राज्य में कम से कम 4-5 जो शहर हैं, जो 4-5 ऐसे सिटी हैं, उनके नाम से विश्वविद्यालय जाना जाएगा, ऐसी मैं मानता हूं। क्योंकि इसमें आने वाले 10 वर्षों में विश्वविद्यालय एक्चुअली ये एकल विद्यालय नहीं रहेंगे, एक तो जैसे जी स्टैंडर्ड जी उनको जी खत्म कर रहे हैं, ये जी यूनिवर्सिटीज रहेंगी, अफिलिएटेड कॉलेजेस, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस रहेंगे या ऑटोनॉमस कॉलेजेस रहेंगे। इन्होंने इसमें रिसर्च इंटेंसिव और टीचिंग इंटेंसिव इंस्टीट्यूशन बनाने की बात भी कही है। तो उसमें रिसर्च इंटेंसिव में ऐसा नहीं है कि उसमें टीचिंग नहीं होगी, लेकिन इम्फेसिस ज्यादा रिसर्च पर दी जाएगी, इसी तरह से टीचिंग इंटेंसिव पर ज्यादा टीचिंग पे दी जाएगी इम्फेसिस। तो इस प्रकार से ये लोग जो जो इनकी योजना है, और ये है फलीभूत हो जाएगी, और ये जमीन पर जब उतरेगी, मुझे लगता है आने वाले 15 से 20 वर्षों में हम लोग जरूर ऐसा देखेंगे। क्योंकि जी समय चल रहा है, ये हमारी मजबूरी हो गई है। आप ये देखिए, ऐसा नहीं है कि अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं बचे हैं। जो जी शिक्षा व्यवस्था है, जिस प्रकार का प्रोडक्ट निकल रहा है, मैं एक बहुत जिम्मेदार पद पर बैठा हूं और मैं कहता हूं, और आप स्टेटमेंट सुनते होंगे, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जी जो 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 एम्प्लॉयर्स हैं, जी टाटा या और भी बहुत सारे, या माइक्रोसॉफ्ट है, या ये, इन आप देखिए तो उनकी उनकी जो थिंकिंग है, उनके स्टेटमेंट देखिए कि जो जो ग्रेजुएट्स निकलते हैं, उनके चाहे इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स हो, चाहे टेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट्स हो, जी उनकी की कितनी है, उनको कितने परसेंट को वो अपने लायक पाते हैं। जी तो इन चीजों से अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है इसके अतिरिक्त कि हम अपने आप को सुधारें, अपने आप को अच्छा करें। और ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की, सारे सरकारें जो है, राज्य सरकारें भी, केंद्र सरकार, सभी इस पर बहुत सीरियस हैं, और सभी सरकारें इसको बड़ा, आप ये समझिए कि रिलीजियसली इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार है। जी अभी हमारे राज्य में, प्रदेश में शुरू हो गया, हमारे राज्य में भी शुरू हो गया है, इस पे कंसल्टेशन शुरू हो गया है, समितियां बनना शुरू हो गई हैं, जी क्योंकि ये करना ही है। यदि आप नहीं करेंगे तो बहुत पीछे छूट जाएंगे, और जी वो शायद हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो स्किल डेवलपमेंट करना हमें, और अपने आप को एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना, अपने आप को दुनिया के जो स्किल्ड लोग हैं उनकी श्रेणी में खड़े करना, जो विश्वविद्यालय हैं, जो टॉप 100, टॉप 200, व्हाट एवर इट इज, उनकी श्रेणी में लाना, तो ये हमारी अब मजबूरी धीरे धीरे बनती जा रही है। क्योंकि हमने अपने को नहीं सुधारा है पिछले जी 50, तो अब ये हमें करना ही पड़ेगा, और हम करेंगे और सफल होंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। जिस प्रकार से सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मुझे दिख रहा है कि हम लोग इसमें सब। तो आपका आज मैं धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। आपने काफी उत्साहवर्धक शब्दों का प्रयोग किया है और मुझे भी आशा है कि जहाँ एक हम वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि एक आत्मनिर्भर भारत उभर रहा है जो कि सिर्फ इस चीज पे चिंता ना करे कि बस एक नौकरी मिल जाए, तो मुझे ऐसा आशा करता हूं मैं कि वो आत्मविश्वास विद्यार्थियों में भरने का काम विश्वविद्यालय जरूर करेंगी कि उनको एक नौकरी के लिए, एक छोटी से काम के लिए उनको अपने आप को अपना जीवन को उससे इक्वेट ना करें बल्कि उसके व्यापक अर्थ को समझें और समाज और राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा सकें। तो बिल्कुल, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। सर, आप आए बहुत बहुत और आपने धन्यवाद। मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।